बोलना पड़े कैमरे पे, क्योंकि तो आप समझती नहीं हो, कितनी बार समझा दो, समझाते आप समझाते ही नहीं हो मुझे सही क्या से। नहीं। सुन क्या करना है, जैसे ये कार्ड है ठीक है, ऐसे सब ब्लैंक है, जैसे मान लो करना क्या है, आप दर्शक हो ठीक है, तो उसमें जो भी नाम लिखने होंगे लिख देना, इंग्लिश में हिंदी में तुरई तरबूज किसी का नाम लिख देना, उसके बाद मैं कार्ड हाथ पे लूँगा, मैं कहीं भी स्टॉप बोलने को कहूँगा आप स्टॉप बोल सकते हो, वो कार्ड आपको देखना है, मैं नहीं देखूँगा ठीक है, ये एक्ट है ठीक है, जनता को तो बता देते, मुझे तो कुछ बताते भी नहीं हो। जनता को बता देते हो, कोर्स करो ज्वाइन, अच्छा, एक एक अब रुपये में, मुझे एक एक रुपये में कोर्स तो, भी ज्वाइन करना एक एक पड़ेगा। रुपये में तो तेरी जान निकलती है ठीक है। ये एक बात समझ, तुम्हें क्या करना है ये एक्ट जान के, ये मर्दों का काम है, या तो रात में उन 11-11 बजे तक दिखाते हो लोगों को, बात करते हो। किससे बात करता हूँ 11 बजे तक। अब यार जो जो सीखना चाहते हैं हम उनको सिखाते हैं, जो मस्ती में जाते, तुम्हारे क्या मस्ती में देख लिया क्या है इसके पीछे का सीग्रेट, तो बेटा वो सीग्रेट हम नहीं देते हैं मस्ती वालों को ले, मस्ती मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी इतना टाइम अपना करती हूँ आपके साथ, ओहो देती हूँ, ये भी तो टाइम तो सोचो। सोचो, नहीं अगर वास्तव में सीखना है तो तो सीखना तो और तो है। जुड़ो फिर हमसे, पर्सनल अच्छा, जुड़ो, मुझे भी आशीर्वाद जुड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे भी जुड़ना जुड़ना पड़ेगा। तो पड़ेगा ही, अच्छा, ऐसे नहीं तो समझ गए खेल क्या है, हाँ मैं सब कुछ समझ गई अब। चलो शुरू करते हैं। ये कार्ड मेरा रहेगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखो और सिखाओ पे, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आप हैं दीक्षा सिंह, दीक्षा सिंह। दोस्तों मेंटलिज्म की फिर से एक नई ट्रिक लेके आए हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, और ये ट्रिक आपने देखी होगी सुहानी साह को करते हुए, बस मैं तो शायद उन्हीं को देखा है, उसके बाद मैंने कहा चलिए ये सीक्रेट भी आपके लिए लाता हूँ कि इसका क्या रहस्य है, लेकिन रहस्य मैं इसका बताऊँगा ज़रूर आपको, लेकिन कुछ समय बाद, थोड़ा सा परेशान होइए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद मैं इसका रहस्य दूंगा, अभी नहीं दूंगा, मुझे तो दे दीजिएगा। थोड़े समय बाद सब कुछ, जैसा इंसाफ का तराजू मेरा बराबर है, चाहे वो तुम्हारे लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो ठीक है। दोस्तों बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जो सीक्रेट, जितने सीक्रेट आपको पता है उतने ही इनको पता है, जो आपको नहीं पता है वो इनको भी नहीं पता है मुझे तो आप वाले भी नहीं पता। आप वाले डिटा देखती नहीं हो तो फिर पता कैसे चलेगा ये तो सोचते सीधे मंत्र दे दो इन्हें और ये सीधे मतलब जान ले, अरे भाई सीखो, पूरा वीडियो देखो, ध्यान से देखो, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, जिन्हें चाह है, जब चाह है बेटा तभी रहा है तो चलिए एक्ट वो शुरू करते हैं। एक्ट ऐसा है हमारा कि ये कार्ड है, सब ब्लैंक कार्ड है ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 है फिलहाल, तो कितने भी हो सकते थे, 8 से ही कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक कार्ड मेरे पास रहेगा ठीक है, देख लीजिए ब्लैंक है, कोई प्लान नहीं है दोस्तों, कोई प्लान वीडियो नहीं है, अब आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मिले हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल रैंडम होता है, तो अब मैं चाहता हूँ उसमें आप कोई भी नाम लिखें, अलग अलग नाम हो सकते हैं ठीक है, मेरा फेस दूसरी तरफ रहेगा या मैं आंखें बंद करके सामने रहूँगा, आप थोड़ा कोशिश करें कि छुपा के ही लिखें, सब में अलग अलग नाम समझ गए, कुछ भी ले सकते हैं, मुझे नहीं दिखाने हैं, और मैं तब तक अपने दर्शकों से बात कर लेता हूँ, मैं अपना ऐसे कर लेता हूँ ठीक है, आपको विश्वास रहे। दोस्तों तब तक मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो लोग पाकिस्तान से मित्र लोग हैं और बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, उन लोगों को ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है, तो देखिए क्योंकि आप कोई टेक का चैनल देखिए, क्या पता उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन होता हो जिसे ज्वाइन करने में आपको आसानी हो या मदद मिले, क्योंकि देखिए आप लोग अगर बोलते हैं कि हम सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें तो वो थोड़ा सा एक इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, हो सकता है मेरे चैनल को स्ट्राइक मिल जाए, तो इसलिए आप लगातार बने रहिए, आने वाले समय में मैं और भी अच्छे अच्छे सीक्रेट आपके लिए दूंगा, वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, तो आप निश्चिंत रहें और आप अपना प्रेम मुझसे ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों मैं आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे एक्ट तैयार करूंगा, और भी अच्छे अच्छे एक्ट आपके लिए लाऊंगा, और जो लोग कोर्स नहीं ले सकते वो भी टेंशन ना लें, थोड़ा सा धैर्य रखें, उनके लिए भी मैं बहुत अच्छी अच्छी बहुत यूनिक यूनिक ट्रिक लाने वाला हूँ दोस्तों, और उनको सिखाने वाला भी हूँ, बस आप बस नाराज़ ना हो, कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि सर आपने तो ये कहा था आपने वो, मैंने कहा था और मैं अभी भी तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीक्रेट उन लोगों को मिले जो बिल्कुल सीरियस हैं, और जो पर्सन अगर जिनको सीखना ही है तो मुझे व्हाट्सएप पे मिलें, देखिए मुझे टाइम नहीं हो पाता है सबसे बात करने का, मैं जब भी फ्री होता हूँ तो एक रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करता हूँ, तो आप लोग बने रहें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जिसको जो सीक्रेट चाहिए उसको मिल जाएगा, सर हो गया हो गया।
और एक चीज़ और, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये डायमंड, जो डायमंड वाला प्लान है मेरा, कि क्या बच्चों वाली ट्रिक दे दी, ये तो कोई बच्चा भी देख के समझ जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, सीक्रेट अच्छे थे। अगर वास्तव में अगर वो ट्रिक बच्चों वाली ही होती तो फिर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया होता। सीक्रेट जानने के बाद हर ट्रिक आसान हो जाती है, और जब तक सीक्रेट नहीं जानते वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। आप कितना भी महान जादू आप सीखने की लाखों रुपया खर्च कर लीजिए, जैसे ही सीक्रेट पता चलेगा आपके लिए वो एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। मैं यही कहता हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं एकदम हर चीज़ को रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी मानसिकता पे निर्भर करता है कि सीक्रेट मिलते ही आप फिर कहते हैं अरे ये तो बच्चों का खेल था, उससे पहले वो चीज़ इतनी बड़ी हो जा रही कि आप खरीदने को भी तैयार हैं। तो दोस्तों उसकी मतलब को समझो, आपको सीक्रेट मिल रहा है, जब तक तो आप परेशान थे अभी तक जादू था, सीक्रेट मिलते हैं आप समझ गए कि इसकी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसको समझिए और पब्लिक प्लेस में ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपका भी करियर खराब हो रहा है, क्योंकि आप उसने कुछ भी पैसा खर्च किया, चाहे 100, 200, 300 रुपये, वो सीक्रेट सीखा है जिसकी आपको जिज्ञासा थी, और अब आप उसी सीक्रेट को बदनाम कर रहे हैं, तो आप इस कला को समाप्त कर दे रहे हैं। तो आप इसको समझिए जो मैं कह रहा हूँ दोस्त, कि आपको अब बताना नहीं है, अब आपको ये राज को राज रखना है, उसको बढ़ाना है, फिर जो आपसे सीखना चाहे उसको सीक्रेट दीजिए। दोस्तों तो समझिए, ये समझदारी से काम लीजिए, मेंटलिज्म क्या है ये इसी तरह काम करता है। तो ठीक है, आपने लिख लिया, मैंने नहीं देखा, आप कार्ड उल्टे कर दीजिए, मेरे हाथ पे दीजिए, कुछ भी लिखा हो सकता है आपने, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने देख लिया हो? जी नहीं, देखिए दोस्तों, इतने सारे कार्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब आठों कार्ड के नाम आप सीरियल से याद कर लीजिए क्या क्या है। याद है सर मुझे, पक्का? कैमरे पक्का। में दिखाने की जरूरत है? नहीं है, नहीं नहीं है। ये कार्ड मेरा है, ये कार्ड आपके हैं। जी अब आप कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं, बोलना है आपको अच्छा, हाथ में लगाना, हार्ड स्टॉप। स्टॉप। अब स्टॉप आपने बोला है और आपकी मर्जी से स्टॉप हुआ है, ठीक जी है। जी अब जो भी लिखा है इसमें, मैं देखिए आंखें बंद हैं, आप इसको देख लीजिए, ठीक लिया? देख लिया, इन कार्डों को यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। जी आप मिक्स कर सकते हैं और इन कार्डों को, मैं नहीं देखने वाला, कर दिया, जी हो गया। इसको रख दीजिए यहाँ पे। अपना कार्ड आपने दर्शकों को दिखाया था, जी मैंने दिखाया नहीं था, मुझे याद है। याद है? जी अगर याद है तो एक काम करते हैं, आप भी पहले लिख के दिखा दो, इधर दिखा दीजिए। हैं ये, चलिए इसी कार्ड में लिख दीजिए। देखिए दोस्तों ये कार्ड है, मैंने फाड़ लिया क्योंकि कार्ड की कमी थी, मेरे पास यही थे। आप लिख के दर्शकों को दिखा दीजिए, और मैं अपना चेहरा इधर कर रहा हूँ, या आप लिख के रख लीजिए, दिखाइए मत, ताकि दर्शकों को विश्वास रहे कि दिखा दीजिए वही कार्ड था, ठीक है। मैं आंखें बंद हैं, जी दिखा दीजिए, सही से रोक के दिखाना, जी तो तुम स्पीड में दिखाती हो, लिखा भी पतला पतला होगा, ठीक है, हो गया। जी अब मैं, सारे नाम आपने लिखे, चॉइस आपकी थी, कुछ भी लिख सकते थे, जी मैंने नहीं देखा, स्टॉप आपकी मर्जी से था, ठीक है। 52 कार्ड के पत्तों में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपने मार्क लगा लिया होगा, कुछ बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हालांकि ऐसा, अगर ऐसा ही खेल होगा तो फिर वो ट्रिक क्या कहलाएगी, ऐसा नहीं होता है। सबके पीछे कैलकुलेशन है, जैसे कि अभी आपने लिखा, ये आपको पता है क्या लिखा, आपको सब पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं देखा, कोई मिले नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपने ये नाम दर्शकों को दिखा दिया है, जी लेकिन कोशिश ये करा कीजिए आगे से कि जो आप निकल रहा है वो पहले कैमरे में दिखा है, ताकि एक्ट और अच्छा लगे कि वास्तव में सच हो रहा है। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपने लिख लिया, हमारे दर्शकों को विश्वास है। तो अब मैं उस नाम को लिखता हूँ, और दोस्तों लिखवाने का रिस्क, कुछ लोग कहते हैं लिखवाना नहीं है तब भी बता सकते थे, मैं तब भी बता सकता था, लेकिन आपको विश्वास कैसे होगा इस एक्ट में, आप नहीं लिखवा के भी एक्ट कर सकते हैं, मैं भी ना लिखूँ तब भी एक्ट हो सकता है, डायरेक्ट भी मैं इनको दिखा के और सीधे बता सकता था कि आपने यही सोचा है। जी तो ठीक है, अब मैं वीडियो में लाइव, बिल्कुल कट नहीं है कोई भी, सीधे चल रहा है जो वीडियो है, अब मैं इस पर एक नाम लिखता हूँ, आप मुझे देखते रहेंगी, चलिए आँख बंद करके कुछ नहीं, सोचते रहो उस नाम को,
सारा खेल तो यहाँ का है बेटा, ये है। सोचो। सोच लिया। सोच लिया? सोचना ही नहीं है, सोच तो मैंने पहले लिया था जो तुमने उसी समय पढ़ लिया था। उसको थोड़ा सा और गहरा करना है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा आकार देना उसको। जितना बड़ा सोचोगे उतना क्लियर दिखेगा। आज ये टेंशन में आने वाली है कि यार ये तुम करते क्या हो। अभी आधे घंटे इस वीडियो के बाद आधे घंटे लड़ाई होने वाली है कि मुझे सिखाओ, आज ही सीखना है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ दर्शकों पहले मुझे दिखाइए ना, मैंने आपको दिखाया को। आम था, सॉरी, कोई बात नहीं, अगर ओम आम है तभी चला लेंगे। थोड़ा गलत हो सकता है दोस्तों, मैंने ओम लिखा है और इन्होंने आम लिखा है। देखिए इतना बात चलता है मिडिलिज्म में, ठीक है। कोशिश करेंगे आगे और क्लियर हो, जी ठीक है, जी जी लेकिन मात्रा नहीं लगानी थी है। लेकिन मुझे इतना क्लियर हुआ, मात्रा तुम मिटा रही थी ना, मन ही मन में तुम भटकाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी काफ़ी क्लियर था, तो मैं चाहता हूँ कि एक्ट में ताली हो जाती, मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। दोस्तों आशा है ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को कर दें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे, और एक प्यारा सा कमेंट करें। सुंदर सा, अच्छा सा, हाँ अच्छा और सा, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कर दिया। नहीं, जिन्होंने नहीं किया और भी लोग तो देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।